दोस्तों शाओमी ने लॉन्च कर दिया है अपना नया स्मार्टफोन जो कि है MI A2। बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे थे इस बारे में कि भाई ये स्मार्टफोन कब तक आएगा इंडिया में, तो इसका ग्लोबल लॉन्च आज हो चुका है। अब बात आती है स्पेक्स की, तो मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है स्पेक्स बता के, इस वीडियो में आपको बोर नहीं करूँगा। सिर्फ मैं ये बात करने वाला हूँ कि इंडिया में आपको ये फ़ोन कब देखने को मिलेगा, साथ ही साथ फ़ोन की प्राइस क्या होने वाली है। तो अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। और हाँ दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लेना, साथ में क्लिक कर दो बेल आइकन को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना वीडियो को। अब यहाँ पे Xiaomi ने दो स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं ग्लोबल, एक है Xiaomi का Mi A2 और Mi A2 Lite। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि Mi A2 तो इंडिया के अंदर आएगा, लेकिन Mi A2 Lite इंडिया के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं कि Mi A2 किस-किस कंट्रीज में लॉन्च होगा, उसका लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और यहाँ पे इंडिया का भी नाम आपको दिख जाएगा। लेकिन जब बात करते हैं Mi A2 Lite की, तो यहाँ पे इंडिया का नाम आपको नहीं दिखेगा, बाकी सभी कंट्रीज का नाम यहाँ पे लगभग से दिख जाएगा। तो Mi A2 इंडिया आने वाला है, Mi A2 Lite नहीं आएगा। और ये अच्छी भी बात है कि Mi A2 Lite में आपको कुछ खास मिलता नहीं था, आपको वही Redmi Note 5 Pro वाले कैमरास मिलते थे, डिस्प्ले में आपको एक नॉच मिल जाती थी, Snapdragon 625 मिलता था। तो Mi A2 Lite यहाँ पे बहुत अच्छा फोन नहीं था, लेकिन Mi A2 एक अच्छा स्मार्टफोन है। सो फाइनली बात कर लेते हैं Mi A2 की प्राइस की। तो यहाँ पे जो ग्लोबल वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं, वो लॉन्च किए गए हैं तीन, आपको मिलेंगे 4GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ में, और इसके लिए आपको देना पड़ेगा 249 यूरोज, और लगभग से अगर आप कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में तो ये हो जाता है 20,000 रुपये के आसपास। एक और वेरियंट है जो कि आपको मिलेगा 4GB रैम और 64GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ में, और इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो लगभग से हो जाएगा 22,500 रुपीज के हिसाब से। तो एक और वेरिएंट है जो कि है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में, और अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसकी प्राइस लगभग से आपको 28,000 के आसपास हो जाएगी, क्योंकि ये लॉन्च किया गया है 349 यूरोस का। सो फाइनली बात करते हैं मेरे कुछ ओपिनियंस की। तो मुझे लगता था ये फ़ोन लगभग से 17,000 से 18,000 के बीच में आएगा जो स्टार्टिंग वेरियंट है, लेकिन यहाँ पे फ़ोन काफ़ी ओवर प्राइज्ड है। 2,000 रुपये के आसपास इसकी प्राइस अगर कम होती तो ये काफ़ी अच्छी बात हो सकती थी, क्योंकि अगर हम बात करें चाइना की, तो वहाँ पे Mi 6X जो इनका स्टार्टिंग वेरिएंट था वो उसकी प्राइस लगभग से 16,500 के आसपास थी, तो ये एक अच्छी बात थी वहाँ पे। लेकिन इंडिया में, या हम बात करें ग्लोबली, जो वेरिएंट लॉन्च किए जा रहे हैं उसकी प्राइस यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज कर दी गई है। सो दोस्तों फाइनली बात करते हैं कि ये फ़ोन आप कब से ले पाएंगे। अगर हम बात करें बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे 10 अगस्त से एक डेट है, वहाँ से आप ले पाएंगे, और वहाँ से आप इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, अली एक्सप्रेस पे भी ये स्मार्टफोन मिल जाएगा जैसा कि वहाँ पे दिखाया गया था। बात करें यहाँ पे इंडिया की, तो जैसे ही इसका अनाउंसमेंट होता है तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त में ये स्मार्टफोन जरूर से आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और बताइएगा इस प्राइस पॉइंट पे लगभग से 20,000 रुपये के हिसाब से आपको ये फ़ोन वर्थ लगा या नहीं, कैसा लगा बताइएगा जरूर कॉमेंट्स में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो यार, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो, साथ में क्लिक कर दो बेल आइकन को, ताकि आपकी कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना हो। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।